एक जाना पढ़ना प्लीज। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन आपने एग्जांपल में किया था जहाँ तक मुझे याद है। इसमें आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनेगी, ठीक है, और ऐसी इक्वेशंस दो रहेगी, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होगा। तो इधर आपका कुछ नहीं है तो वन, सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब ए वन बाई टू, तो वन अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू, मतलब टू अपॉन ए प्लस बी, सी वन बाई सी टू मतलब वन अपॉन ए प्लस बी माइनस टू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर, बस यस सर। अब बारी बारी से जैसा आपको सही लगे वैसा कर लो। ए वन बाय ए टू, बी वन बाय बी टू तो बहुत बेसिक रहता है, ये अपन करके देख लेते हैं। इन दोनों को कंपेयर किया आपने तो ये हो जाएगा क्या, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टू ए माइनस टू बी, तो थ्री बी इज इक्वल्स टू ए। सबसे सिंपल रिलेशन आपको मिल गया। अब आप बताओ, बी वन बाय बी टू सी वन बाय सी टू कंपेयर करूँ कि ए वन बाय ए टू सी वन बाय सी टू कंपेयर करूँ? सर ए और सी को, ए और सी को। चलो, तो वन अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए प्लस बी माइनस टू, सो ए प्लस बी माइनस टू इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, है ना बेटा? तो ए और ए कैंसिल यस हो गए, ये क्या हो गया, टू बी इज इक्वल्स टू टू, तो बी इज इक्वल्स टू वन, जब बी इज इक्वल्स टू वन तो ए इज इक्वल्स टू थ्री इंटू वन मतलब थ्री, तो ए थ्री बी वन, ये इसका आंसर है। वेरी इजी। यस सर।